Hello students, welcome back once again. I'm here to bring you another video of letter writing. Students, in the last video we have discussed about a letter to editor and also inquiry, okay? Inquiry letters. So we have discussed both the letters. Today, in this video, we are going to discuss about placing orders. Okay, students? Sorry. We are going to discuss about the placing orders type letters. Sorry. Okay. So, get ready now. मैं अभिषेक तिवारी आप सबका जो है स्वागत करता हूँ और आगे बढ़ते हैं. आज इस कड़ी में, इस सीरीज़ में ये सेकेंड वीडियो है और लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर टाइप्स लेटर्स. ओके, सो इट्स अ प्योरली यू नो अ बिजनेस टाइप ऑफ लेटर वेयर टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और अ कस्टमर एंड एंटरप्रेन्योर्स टॉक कम्युनिकेट्स टू ईच अदर. ओके, हाउ डू दे कम्युनिकेट दिस थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर अ क्वेश्चन इज गिवन. फॉर्मेट आप लोगों को बता दिया गया है. इसके अलावा जो आप लेटर राइटिंग में एडिटर को फॉर्मेट लिख रहे थे, फॉर्मेट वैसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें बस. ठीक है, वो क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले जैसे पहले लिखते आए हैं आप लेटर का सेंडर्स एड्रेस, देन आफ्टर डेट. ओके, एंड आफ्टर जस्ट राइटिंग डेट एंड यू हैव टू मेंशन द यू नो रिसीवर्स एड्रेस, देन आफ्टर सब्जेक्ट. ओके, एज यूजुअल, देन सॉल्यूटेशन. क्लियर? Now, the body of the letter, okay, the body of the letter right here. So, after writing the body of the letter, finally write the closing in a complimentary closer, then your subscription, and then your signature. So, things are very clear. Only the content you have to change. स्टूडेंट्स, केवल आपको कंटेंट्स में, बॉडी ऑफ द लेटर में चेंज थोड़ा सा करना है. बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसे ही लिखनी होती है. अब वो बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है, किस तरह से आपको मेंशन करना होता है, मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने चल रहा हूँ. ओके, सो हियर एग्जांपल इज़ गिवन. ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं. क्वेश्चन मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है, अ न्यू सीरीज ऑफ एनिड ब्लाइटन्स एडवेंचरस स्टोरीज हैज़ जस्ट बीन रिलीज्ड. ओके, कोई स्टोरी बुक वगैरह है. लेटर टू द पब्लिशर माइंड सेट प्राइवेट लिमिटेड. आई टोल्ड यू आई थिंक लास्ट डे अबाउट इट कि कैसे इसको लिखना है. थोड़ा बहुत हिंट्स तो मैंने दिया था. तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले, फिर नीचे आप जो है स्पेशली मैं आपको ये क्यों फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल दो तरह के लेटर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. एक तो होता है लेटर टू एडिटर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ओके, जो एग्ज़ाम्स में अक्सर यही पूछे जाते हैं. और जो सेकेंड होता है स्टूडेंट्स, वो होता है प्लेसिंग ऑर्डर. ओके, ये दो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसका रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट था. तो हम लोग इसको कर रहे हैं. आप अपना एड्रेस, जो आप सेंडर हैं, आप अपना एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे, फिर डेट वगैरह लिख देंगे जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, और फिर जिसको आप लिख रहे हैं, किस कंपनी, फैक्ट्री, जिसको, माइंडसेट प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, 1511 आशफ अली रोड, न्यू दिल्ली. ठीक है, उनका एड्रेस, कंपनी का नाम, जो भी है, पब्लिशर्स हैं या फिर किसी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी जो भी शॉप है या कोई कंपनी है, फॉर्म है, फैक्ट्री है, उनके नाम आप लिखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि आप सिंपली सब्जेक्ट लिखेंगे, टू ऑर्डर वन सेट ऑफ एनिड
बाइल्टन एडवेंचरस स्टोरीज, ठीक है, कि आपको ऑर्डर करना है, टू ऑर्डर एन वन सेट ऑफ, टू ऑर्डर अ बल्क ऑफ, यू नो, बल्क ऑर्डर ऑफ, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, बल्क ऑर्डर ऑफ यू नो क्रिकेट बैट्स, ठीक है, तो लाइक दिस, ऐसे जो भी आप ऑर्डर करेंगे उसको आप ऐसे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फिर उसके बाद आप सॉल्टेशन से स्टार्ट करेंगे, सर लिख कर ही शुरुआत करते हैं, बेसिकली यहाँ पे आप सर ही लिखेंगे, ठीक है, मैडम ओनर हैं तो मैडम लिख सकते हैं आप। आई वॉन्ट टू मेक एन ऑर्डर ऑफ वन सेट ऑफ एनिड बाल्टन्स एडवेंचरस स्टोरीज, आप लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ एक ऑर्डर जो है, एक सेट ऑफ एनिड बाल्टन्स एडवेंचरस स्टोरीज के एक सेट चाहता हूँ, विच यू रिलीज लास्ट वीक, जिसको आपने लास्ट वीक रिलीज़ किया था, ठीक है। आई हैव अटैच्ड अ ड्राफ्ट ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर योर कन्वीनियंस, मतलब आपने उसको पहले ही प्री ड्राफ्ट भी भेज दिया है पैसे का कन्वीनियंस के लिए, कि जिससे कि उसको दिक्कत ना हो आपको डिलीवरी करने में। प्लीज़ सेंड द ऑर्डर द एड्रेस गिवन अबव, जो एड्रेस इसलिए आपने ऊपर लिख दिया है उसी एड्रेस पे उनको भेजना है, तो वो आप मेंशन कर देंगे कि प्लीज़ सेंड एज सून एज पॉसिबल टू द एड्रेस गिवन अबव, ओके, इंश्योर दैट द बुक्स आर इन गुड कंडीशंस, और आपको ये भी दिखना होगा कि इंश्योर एंड यू नो सुपरवाइज दैट द प्रोडक्ट द डिलीवरी विच इज़ कमिंग मस्ट बी इन अ गुड कंडीशन, ओके, देन आफ्टर थैंकिंग यू योर सिंसियरली विकास शर्मा, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, लाइक यू नो ये तो फ़िलहाल आपका एक क्वेश्चन है जहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एडिटर का लेटर है ये, ठीक है, एडिटर्स के लेटर हैं, बट आप ऐसे बहुत से लेटर्स जो आपके पास अवेलेबल होंगे आप उनकी प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। सपोज़ आपको, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे बोल के बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर आप खुद प्रैक्टिस करिए, मैं स्कूल में उसको और डिस्कस कर दूँगा ब्रॉडली, ठीक है। तो आप जिसमें देखते हैं कि जैसे आपको एक स्पोर्ट्स गुड मंगाना है, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड ऑर्डर करना है, प्लेस ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे, आप अपना एड्रेस, अपना सेंडर्स रिसीवर्स जो एड्रेस है उसको आप ऐसे सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर आप डेट मेंशन करेंगे, फिर आपको मंगाना है क्रिकेट के इक्विपमेंट्स मंगाने हैं, आप स्कूल में आपके स्पोर्ट्स डे होने वाला है तो आपको स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बहुत से इक्विपमेंट मंगाने हैं, तो आप मथुरा या लुधियाना को मैसेज करेंगे, मथुरा या लुधियाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ से स्पोर्ट्स गुड आते हैं, तो आप बेसिकली क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है, यू नो कोई भी एक कंपनी एज्यूम कर लीजिए, सपोज़ यू नो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ओके, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड 201, ओके, दिल्ली रोड मेरठ, ओके, लाइक दिस, ऐसे आपने मेंशन कर दिया, ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बल्क ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ओके, बल्क ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लाइक दिस आप लिख देंगे ऐसे। फिर आप सर लिखेंगे, सर, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सर करके ऑब्लिक करके मैडम भी लिख देंगे, सपोज़ उसका ओनर उसका मैनेजर कोई मैडम है तो आप उसको दोनों को रेफ़र कर सकें, इसलिए सर ऑब्लिक मैडम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अब आप स्टार्ट करेंगे जैसे आप उनके पुराने कस्टमर रहे हैं, आई वॉन्ट टू स्टेट यू that like other years this year too our school my school is going to organize the sports day dated from, okay, आप लिख देंगे dated from कोई डेट दे, दो चार दिन के दे देंगे कि यू नो 10
नवंबर टू 15 नवंबर, ओके लाइक दिस 2020 आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आगे लिखेंगे ओके फॉर दिस वी रिक्वायर्ड बल्क ऑफ स्पोर्ट्स एसेसरीज, ओके इसके लिए हमें स्पोर्ट्स एसेसरीज की ज़रूरत है बड़ी मात्रा में बल्क ऑफ, ठीक है। देयरफॉर आई प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ ऑल द गुड्स ओके बिलो, इसलिए मैंने नीचे सारे चीज़ों के ऑर्डर्स किए हुए हैं ओके फिर आप लिखेंगे फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ऑल्सो सेंट अ ड्राफ्ट ऑफ 20,000 रुपीज एंड वी एक्सपेक्ट अ गुड यू नो रिबेट, या रिबेट लिखेंगे या कंसेशन, वी एक्सपेक्ट अ गुड रिबेट और कंसेशन ओके इन एवरी प्रोडक्ट, ठीक है। एज आई मेंशनड यू द स्पोर्ट्स डे सो आई वुड एक्सपेक्ट माय डिलीवरी अप टू, आप एक डेट मेंशन कर देंगे कि लेटेस्ट बाई 31st ऑफ अक्टूबर, ठीक है, कि मेरा ऑर्डर जो है वो 31st अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। एंड प्लीज़ इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द स्पोर्ट्स गुड ओके बिफोर और सुपरवाइज द क्वालिटी ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स बिफोर डिलीवरिंग अस, ओके बिफोर डिलीवरिंग अस, ठीक है। वी एक्सपेक्ट अ क्विक एंड सडन क्विक यू नो रिस्पॉन्स, आप लिख दीजिए वी एक्सपेक्ट अ क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद आप थैंकिंग यू लिख देंगे, उसके बाद आप योर्स सिंसियरली लिख देंगे, और फिर आप लिखेंगे कि स्पोर्ट्स ठीक है स्पोर्ट्स हेड अपने स्कूल कॉलेज या जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। बस इतना ही आपको प्लेसिंग ऑर्डर में करना होता है। नो अभी इसमें थोड़ा सा एक चीज़, यस यस यस, अब आप इसको मेंशन करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स कि आपने ऑर्डर्स क्या क्या किए हैं। तो आप इसको लिखने के बाद फिर नीचे ऑर्डर की एक ऐसे ऑर्डर की पूरी एक लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पर आप ऐसे ऑर्डर बना देंगे ठीक है, और उसकी कितनी क्वान्टिटी चाहिए ना वो सब आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि ऑर्डर सीरियल नंबर ओके इसके अलावा जो है इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए आपको ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने आइटम्स आपको चाहिए। पहला हो गया मान लो क्रिकेट बैट चाहिए आपको, बैट कितने चाहिए 5 चाहिए। दूसरा जो है आप लिख देंगे क्रिकेट बॉल ठीक है, क्रिकेट बॉल कितने चाहिए आपको 5 चाहिए ठीक है। फुटबॉल लिख देंगे तो कुछ भी ऐसे फुटबॉल कितने चाहिए 10 चाहिए ठीक है। ग्लव्स चाहिए कितने चाहिए 15 चाहिए, तो ऐसे करके आप एक ऑर्डर बना के लिख देंगे और फिर बीच में ऑर्डर बनाएंगे। पहले ये चीज़ आप कहाँ लिखेंगे, इसको लिखने के बाद मतलब जो ये आपने अभी तक लिखा और उसके नीचे ये जो इंश्योर लाइन है ना, अब ये छोड़ के लिखेंगे, इसको पहले बना देंगे टेबल, और टेबल बनाने के बाद तब ये लाइन लिखेंगे कि इंश्योर दैट द बुक्स दैट द गुड्स आई ऑर्डर्ड ओके मस्ट बी वेल सुपरवाइज्ड मस्ट बी वेल स्क्रूटनाइज्ड एंड द डिलीवरी विल बी इन अ गुड कंडीशन ओके द डिलीवरी विल रीच अस इन अ गुड कंडीशन, तो ये आप लिख देंगे। वी रिस्पॉन्स अ क्विक वी होप फॉर अ क्विक रिस्पॉन्स ठीक है, ये लिख करके तब थैंकिंग यू योर सिंसियरली और देन आफ्टर अपना सिग्नेचर लिखेंगे, नेम एंड सिग्नेचर करेंगे ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये करना होता है प्लेसिंग ऑर्डर में। इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम इन इट गेटिंग इट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ओके यू नो इन द स्कूल और इन WhatsApp, okay? This is what all about for today's lecture. Thank you. Have a good day.